सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बीएनसी यूनिवर्स को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक पहुंचे हमारे वीडियो सबसे पहले। हाय दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास और आप देख रहे हैं बीएनसी यूनिवर्स चैनल ऑन यूट्यूब। आज हम बात करने वाले हैं कनाडा का रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के बारे में, जिसमें कि अभी रजिस्ट्रेशन बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो क्या क्या चीज़ें आपको तैयार रखनी चाहिए ताकि आपसे ये अपॉर्चुनिटी मिस ना हो जाए, इसके बारे में आज का पूरा वीडियो है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस प्रोग्राम के बारे में काफ़ी सारे लोग जानना चाहते हैं क्योंकि इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो काफ़ी कम है और तकरीबन 8 से 9 महीने पहले से ही लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। 8 महीने पहले मैंने भी एक वीडियो बनाया था इसी टॉपिक पे और बताया था कि ये एक प्रोग्राम आ रहा है और बहुत जल्द ये लोगों को बुलाएगा वहाँ पर रहने के लिए। ये कम्युनिटी ड्रिवन प्रोग्राम है और इसमें रजिस्ट्रेशन करना कम्युनिटी को था, जो कि एंड होना था मार्च 2019, बट वो एंड होते होते जून जुलाई हो गया। तो अभी ये अपडेट आई है कि अब उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है और जो कम्युनिटी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आपके स्क्रीन के ऊपर अभी दिख रहे होंगे, जिसमें कि 5 जो कम्युनिटी हैं वो ऑन्टारियो से हैं, 2 मैनिटोबा से हैं, ब्रिटिश कोलम्बिया से भी हैं और अल्बर्टा और सेचकसवान से भी इसमें कम्युनिटी हैं। और इन कम्युनिटी में अप्लाई करने के लिए अभी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है, जो बहुत सारे वीडियो बना रहे हैं कि भाई एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जा रहा है, अभी एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा कि भाई अभी भी लोग अप्लाई नहीं कर सकते। एप्लीकेशन बहुत जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है क्योंकि इसमें लिखा गया है कि फॉल 2019 में अभी एप्लीकेशन लेना स्टार्ट करेंगे, मतलब नवंबर या दिसंबर में एप्लीकेशन लेना स्टार्ट हो जाएगा। वैसे तो नवंबर की आज 7 तारीख हो गई है बट अभी तक कोई एप्लीकेशन लेने की बात नहीं की गई है। जल्दी ही शायद उनकी वेबसाइट में, जो कि उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है कनाडा की, उसमें शायद आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। वैसे यहाँ पे उन्होंने एक प्रीव्यू दे दिया है कि किस तरह से अप्लाई करना है, तो प्रीव्यू कुछ अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसमें सबसे पहली चीज़ है कि एप्लीकेंट जो है वो एक वेबसाइट में अपना डिटेल्स डालेगा। हो सकता है कि यही जो कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट है cic.gc.ca, इसी के माध्यम से ही इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया जाए, बट ये सिर्फ मेरा गैस है। हो सकता है इसके लिए एक अलग सा पोर्टल बनाया जाए, जैसे कि अरिमा पोर्टल बनाया गया था, तो उस तरह से भी हो सकता है। जिस तरह से भी ये पोर्टल बनता है देन आपको आगे मैं अपडेट कर दूंगा कि आप इसमें किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कैंडिडेट को अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। प्रोफाइल बनाने के बाद कम्युनिटी या एम्प्लॉयर उसे सिलेक्ट कर सकता है और उसको कह सकता है कि आप हमारी कम्युनिटी या फिर हमारी जो एम्प्लॉयमेंट फर्म है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर जैसे ही कैंडिडेट उसमें अप्लाई करता है देन वहाँ से वो लोग वेरीफाई करेंगे कि कैंडिडेट कैसा है। अगर उनको आपको प्रोफाइल सही लगती है देन आपको वो लोग एक रिकमेंडेशन लेटर देंगे और इसी रिकमेंडेशन लेटर पे ही आप अप्लाई कर सकते हैं पीआर के लिए। यहाँ पे कोई भी वर्क परमिट वाली बात नहीं है, पीआर के लिए आप इसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ही आप पीआर के लिए अप्लाई करते हैं देन कनाडा की गवर्नमेंट फिर से आपकी प्रोफाइल एक और बार चेक करेगी। तो जो लोग भी ये सोच रहे थे काफ़ी इजी है ना, तो यहाँ पे 2-2 बार आपकी प्रोफाइल चेक हो रही है, एक कम्युनिटी बेसिस पे और दूसरा कैनेडियन गवर्नमेंट के लेवल पे, मतलब कंट्री के लेवल पे आपका यहाँ पे प्रोफाइल फिर से रिव्यू की जाएगी। अगर आपकी प्रोफाइल में सारी चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड हैं इस प्रोग्राम में, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे इस वीडियो में, देन आपको यहाँ पे वो लोग वीज़ा ग्रांट कर सकते हैं और आप वहाँ पे पीआर ले सकते हैं और उसी कम्युनिटी में आपको सेटल होना पड़ेगा जिस कम्युनिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पे एक ऐसी बात नहीं कि एंट्री पॉइंट है, एक कम्युनिटी में घुस जाएं बाद में फिर अपना जो फेवरेट डेस्टिनेशन है वहाँ चले जाएं, ऐसा नहीं कर सकते। जिस भी कम्युनिटी को आपने सिलेक्ट किया है उस कम्युनिटी में आपको रहना है, वहीं जॉब करना है, ये चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, तो आप उसे भी फॉलो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब बात कर लेते हैं कि आप एलिजिबल किस तरह से होंगे इसके लिए। इसके लिए एलिजिबल तो बहुत सारे लोग हो सकते हैं क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट काफ़ी कम मांगी गई है। एजुकेशन की अगर हम बात करें देन यहाँ पे 12th एंड अबव मांगा गया है। तो अगर आप 12वीं पास हैं देन अपना ECA जल्दी से करा लीजिए।
और जैसे ही आपका ईसीए हो जाता है देन उसे रखे रहिए। और ईसीए 5 साल से ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए अभी करा दें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ईसीए को ये आने में तकरीबन 45 दिन लग जाते हैं। तो जिन लोगों के ईसीए रेडी हैं वो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ ईसीए आने में 45 दिन, और अगर कल को या परसों को अगर ये रिलीज़ हो जाता है कि भाई एप्लीकेंट अभी अप्लाई कर सकते हैं, देन कहीं आप पीछे ना रह जाए, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि आप अपना ईसीए जल्दी से अप्लाई कर दीजिए ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो जब भी ये प्रोग्राम रिलीज़ हो। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी रिक्वायरमेंट जिसके लिए हर कोई घबराता है वो है लैंग्वेज। लैंग्वेज में यहाँ पे IELTS बैंड काफ़ी कम मांगे गए हैं, आप टेंशन मत लीजिए। अगर आप NOC C और D जिसके लिए कि सारे ज़्यादातर लोग घबराए रहते हैं कि भाई जैसे तैसे करके जाना है, वो ऐसे वाले जो कैटेगरी होती है उसमें आपको यहाँ पे CLB Level 4 मांगा गया है, और NOC Level B में यहाँ पे CLB Level 5 मांगा गया है, और NOC Level O और A में यहाँ पे आपको CLB Level 6 मांगा गया है। तो अगर हम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट देखें देन उतना ज़्यादा नहीं है। इवन NOC Level A की भी अगर हम बात करें देन CLB Level 6 भी काफ़ी आसानी से इंडियंस ले आते हैं, तो इसलिए लोग इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए काफ़ी उत्साहित हैं। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं देन अगर आप NOC B के लिए अप्लाई करना चाहते हैं देन आपकी एजुकेशन NOC A से ज़्यादा ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब A वाला बंदा C कैटेगरी या D कैटेगरी में अप्लाई नहीं कर सकता, बस यही एक चीज़ है यहाँ पे और कुछ नहीं है। आपकी एजुकेशन ज़्यादा हाई नहीं हो जानी चाहिए, या फिर सी या डी कैटेगरी में अगर आप अप्लाई करना है देन 12th इज़ ओके। बाकी A और B और O में थोड़ी बहुत एजुकेशन की रिक्वायरमेंट हाई मांगी गई है। अब बात कर लेते हैं सेटलमेंट फंड की। सेटलमेंट फंड यहाँ पे एक आदमी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, मतलब अपने खुद के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं देन यहाँ पे आपको जो सेटलमेंट फंड चाहिए होगा वो है $8,722। ये आपको सेटलमेंट फंड दिखाना पड़ेगा, और यहाँ पे 7 लोगों तक या फिर 7+ लोगों तक यहाँ पे दिया गया है वो $23,080 मांगा गया है सेटलमेंट फंड। तो आप ये लिस्ट देख लीजिए कि आपको कितना यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगा। कैंडिडेट वाइज ये रिक्वायरमेंट जो है फंड की वो बढ़ती जाती है, तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अगर ईसीए नहीं किया है तो ईसीए कर दीजिए, IELTS नहीं दिया है तो IELTS दे दीजिए। बहुत ही जल्द और एक वीडियो बनाएंगे, मतलब इसी प्रोग्राम का ये दूसरा वीडियो है, इसके बाद तीसरा वीडियो आएगा जिसमें हम बताएंगे कि आप एप्लीकेशन कैसे करेंगे। बहुत ही जल्दी ये अपडेट आने वाला है कि कैसे एप्लीकेशन करना है, किस पोर्टल से करना है, और क्या क्या चीज़ें आपको रेडी रखनी पड़ेंगी। वैसे मैं बोल दे रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस लेटर 1 साल का रेडी रखिए, क्योंकि यहाँ पे 1560 घंटे का वर्किंग एक्सपीरियंस last 3 years में चाहिए होगा। तो अपना 1 ईयर का मिनिमम एक्सपीरियंस रेडी रखिए, मैं तो बोल रहा हूँ 2 या 3 साल का एक्सपीरियंस रेडी रखिए। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आपके पास ECA नहीं है देन ECA बना लीजिए, जितना जल्दी हो सके वैसे से करें या फिर किसी और से करें, वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसके बाद अपना IELTS जल्दी से क्लियर करके रेडी रहें, ताकि अगर हमारा जब नेक्स्ट वीडियो आए, जो कि मैं तुरंत ही अपलोड करूँगा जैसे ही कैंडिडेट वेबसाइट में दिखाता है कि ये प्रोग्राम में आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, देन मैं तुरंत उसमें अपलोड कर दूंगा एक वीडियो, ताकि आपको ये डेट मिस ना हो जाए और ये एप्लीकेशन में आप लेट ना हो जाएं। तो जल्दी ही अपने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा कर लीजिए, फंड इकट्ठा कर लीजिए, IELTS का स्कोर इकट्ठा कर लीजिए, एजुकेशन का ECA इकट्ठा कर लीजिए, और रेडी रहिए। बहुत ही जल्द ये प्रोग्राम आप सबके लिए आने वाला है। सो ये था आज का हमारा वीडियो, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है देन लाइक बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, और साथ ही साथ मेरे चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। दिस इज विश्वास साइनिंग ऑफ, स्टे कनेक्टेड।